हेलो एवरीवन बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और इस सेशन में क्या मैं आपको एनटीए एनएमसी की कोई अपडेट पे देने वाला हूं? नहीं। क्या सिलेबस बदल गया ऐसी कुछ बताऊंगा? नहीं, मैं आपको एग्जैक्टली वो सिचुएशन बताऊंगा कि आपको बदलते हुए सिलेबस में बायो में क्या चैप्टर्स हैं जिनकी वेटेज ज्यादा हो सकती है। दूसरा, मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अब जो चीजें बदली हैं उसको अप्रोच कैसे करना है, और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं कि यार ये कर लेना और ये छोड़ देना, क्योंकि कोई ना कोई पर्सन जो है उसको खड़े होके स्टैंड लेके बोलना पड़ेगा कि ये कर लो ये छोड़ दो। ठीक है, इस वजह से मैंने ये सोचा है कि ये एक सेशन आपका रखना चाहिए। दूसरा बेटा, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज बताता हूं आपको। कल रात में मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया, उसके 596 थे लास्ट ईयर नीट 2023 में। उसके मैसेज में क्लियरली लिखा हुआ था कि सर मैं डर रहा हूं, मेरी एफिशिएंटली पढ़ाई नहीं हो रही है। तो यहां पर मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूं, जो बच्चे जिनके लास्ट ईयर 200 थे, 100 थे, 500 थे, 600 थे और कॉलेज नहीं मिला या नहीं ले पाए, पढ़ाई इस साल भी उतनी ही करनी पड़ेगी। ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जो उनको कह दे कि आप थोड़ा सा आगे हो या आप पीछे हो, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं होता है। यही रीजन है कि बहुत सारे बच्चे लगातार उसी रेंज में रुके रह जाते हैं, 560, 570, 580 में, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो सोच लेते हैं कि हम थोड़ा सा आगे हैं, मेरी पढ़ाई औरों से ज्यादा एफिशिएंटली होगी। नहीं, तुझे भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये जंग जो है, ये लड़ाई जो है, ये हमेशा हर साल जीरो से स्टार्ट होती है और हर साल आपको ये पूरी लड़नी पड़ती है। तो अभी तो आधा हुआ है बेटा, अभी तो हाफ जर्नी तय हुई है, आधी लड़ाई मैं बोलता हूं 75%, क्योंकि शुरू के 5 महीने में आप सिर्फ 25-30% लड़ाई लड़ते हो, बाकी की बची हुई 75% लड़ाई जिसमें कि सिलेबस कंप्लीट करना है, जिसमें आपको रिवीजन करना है, ये आपके सेकेंड हाफ में होता है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग क्या बात करेंगे, थोड़ा सा एकदम क्लियर रहेंगे कि जो हम बात कर रहे हैं। क्या सिचुएशन है? सिचुएशन ये है बेटा, पहले एनसीईआरटी ने कुछ बदला, फिर एनएमसी ने उसको कंफर्म किया, 6 अक्टूबर शायद वो आया था, एकदम बम फोड़ दिया था, और 7 अक्टूबर को एनटीए ने, सॉरी उसके कुछ महीने के बाद अभी नवंबर में एनटीए ने भी कुछ मतलब कहा कि हाँ ठीक है, जो उन्होंने भेजा वही पीडीएफ हम दे देते हैं। सिचुएशन इससे क्या हो गई है कि दो लोगों ने जब कंफर्म किया है तो ये कंफर्म हो गया, हाँ ये बदल गया, अब इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा, थोड़ा बहुत माइनर अपडेट आ सकता है। तो आपके पास करंट सिचुएशन ये है कि सिलेबस बदल गया, बहुत सारे बच्चे इस पे बहुत फोकस कर रहे हैं, नहीं सिलेबस घट गया है यार, घट गया तुम्हारा फायदा हो गया, तुम्हें कम पढ़ना पड़ेगा। पर याद रखना, कम पढ़ने का मतलब है डीप क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी और ज्यादा ढंग से करनी पड़ेगी। यस और नो? इसीलिए बेटा हमने फिर एनसीईआरटी लेवल अप स्टार्ट किया, उसको सारे चैप्टर की आपकी रिक्वेस्ट है, सारे चैप्टर्स की देंगे आपको, और वो केमिस्ट्री में भी मतलब हम लोग कराएंगे उसको, क्योंकि वहां पर भी एनसीईआरटी की काफी नीड पड़ती है। ठीक है, उसके बाद लिटिल एडिशन हुआ। अब यहां पर एक पैटर्न और है, आपने ऐसा माहौल बना दिया है, मैं परेशान हूं इन बच्चों से कि जिनको सिर्फ वही पढ़ना है जो डेली जो ऐड हो गया। क्यों भाई, जो ऐड हो गया पूरा पेपर उससे आ जाएगा यार, मान ले फ्रॉग है तो आ सकता है और आएगा भी एक क्वेश्चन, तो तू फ्रॉग के पीछे पड़ गया है या कोई नई फैमिलीज है उसके पीछे। बेटा हम कराएंगे, हमने बिल्कुल प्लान कर लिया है कि आपको जो भी रिलेटेड सिलेबस है उसकी पूरी की पूरी सीरीज करा देंगे, कि सॉरी एडिशन वाला सिलेबस है उसकी पूरी सीरीज करा देंगे, तो आपको परेशान नहीं होना। पर आप दिन भर वही खोजते रहोगे तो दिक्कत है। अब कुछ सवाल है जो बच्चों के मैं लगातार कमेंट के थ्रू ले रहा हूं, वो ये है बेटा कि क्या चैप्टर डिलीट हुए? यस बिल्कुल हुए। टॉपिक भी डिलीट हुए? यस। अब सवाल यहां से स्टार्ट होते हैं, शुड वी कवर डिलीटेड चैप्टर्स? क्या मुझे डिलीटेड चैप्टर कर लेना चाहिए? मैं कह रहा हूं नो। सर अगर आ गया तो नहीं आएगा? फिर भी सर अगर आ गया तो 4 बार पूछेगा फिर मैं यस लिख दूंगा। मेरा यह मानना है कि डिलीटेड चैप्टर में से कुछ नहीं आएगा, मेरा यह मानना है। क्लियर? ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि शुड वी कवर डिलीटेड टॉपिक्स, तो यहां मेरा थोड़ा सा व्यू अलग है। कुछ लोग कहते हैं नो, मैं चाहता हूं कि यस लिख दूं यहां पर, रीजन बताता हूं क्यों। जैसे प्लांट किंगडम में आपका लाइफ साइकिल वाला पार्ट डिलीट हुआ है, क्या मैं ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट को समझा सकता हूं बिना लाइफ साइकिल के? नहीं। तो बहुत सारे ऐसे डिलीटेड टॉपिक्स हैं जो रिलेट कर रहे हैं, उनको कर लो। पर आप कैसे डिसाइड करोगे कौन रिलेट कर रहा है कौन नहीं कर रहा? आप नहीं कर पाओगे। तो बेटर ये है कि डिलीटेड टॉपिक्स कर लो, सेफ साइड, बहुत बड़ा नहीं है ना। जैसे मान लो लिविंग वर्ल्ड में कुछ डिलीटेड टॉपिक है, प्लांट किंगडम में कुछ डिलीटेड है आपका, है कि नहीं? तो डिलीटेड कर लो। एनाटॉमी में थोड़ा सा डिलीटेड है, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में आपका डिलीटेड है, तो कुछ डिलीटेड टॉपिक्स को कर लो, है ना, सेफ रहेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे प्लांट किंगडम वाला ज्यादा रिलेटेड है,
लिविंग वर्ल्ड में टैक्सोनॉमिक एड्स को बहुत डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ लो, क्योंकि वो उतना ज्यादा रिलेटेड नहीं है। तो अगर आप मेरे से पूछो कि क्या करना चाहिए, इस साल कर लो, 2024 के लिए कर लो, अगले साल हम क्लियरली बता पाएंगे कि यार इसने पूछा नहीं। अब देखो, क्योंकि आपको क्या लगता है, टीचर्स को कोई मतलब सपने थोड़ी आते हैं, वो पैटर्न के हिसाब से ही तो आपको गाइड करते हैं, क्योंकि हम पैटर्न के ज्यादा बढ़िया रीडर हैं, हम पैटर्न को ज्यादा अच्छे से समझते हैं, हम एग्जामिनर के माइंड को ज्यादा बेटर पढ़ पाते हैं और बच्चों की सोच को समझ पाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस साल ये लेके चले जाओ। यस, वेटेज चेंज हुई होगी, यस, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन उतने ही है, चैप्टर घट गए हैं। तो लगभग बायो में कितने चैप्टर हैं बेटा, 38 थे पहले, अब कितने हो गए, 32 हो गए, और कुछ यूनिट्स में से तो दो चैप्टर चले गए हैं। तो उस यूनिट में पर्टिकुलर चैप्टर्स की वेटेज में बदलाव होगा, चैप्टर्स बढ़ जाएंगे। थोड़ा सा एक बार इस व्यू को देख लेते हैं, और मैं यहां पर एक चीज बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं कि हम आपकी कैसे हेल्प करने वाले हैं, वो एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूं। हम आपको, आप देख सकते हैं बेटा, हम आपको मतलब संजीवनी बैच में पूरा 11th पढ़ा रहे हैं, डिलीटेड सिलेबस मतलब जो नहीं है उसको छोड़ के, द्रोणा बैच में 12th वाला सिलेबस पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी लेवल अप में एनसीईआरटी की डीप लाइनें डीकोड करेंगे ताकि आपको एनसीईआरटी पढ़नी आ जाए। अब सवाल यह है कि सर मैं सारा फॉलो करूं, जो तुझे लगता है, जो तेरी कमजोरी है, सारा नहीं करना, जो तुझे लगता है, जिसमें से बहुत सारे बच्चों को लगता है यार एनसीईआरटी लेवल अप की जरूरत नहीं है, नहीं कर। तुझे लगता है नहीं, मुझे सर ने जिस तरीके से बताया अगर मैं वैसे करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिल्कुल करना चाहिए। उसके अलावा नए टॉपिक्स जो ऐड हुए हैं, क्या उनके लेक्चर्स हम आएंगे, फ्रॉग एमडी सर ने करा दिया, बाकी मान लो फैमिलीज वाला पार्ट मैं कराऊंगा, सॉल्ट एनालिसिस आपको वीटी सरिया सर्वेश सर कोई कराएंगे, और आप कुछ एक्सपेरिमेंटल पार्ट फिजिक्स में, वो सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे एक साथ, हम लोग एक सीरीज प्लान कर देंगे वो चीज। उसके अलावा हम लोग अपने पेड बैच में न्यूट्रॉन ड्रॉपर है, 1 है 2 है 3 है, इसमें पूरा कंटेंट पढ़ा रहे हैं, और अभी रिसेंटली हमने न्यूट्रॉन क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर दिया जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं, एमडी सर पढ़ा रहे हैं। तो हम जितना हो पाता है बेटा, क्योंकि प्रॉब्लम यहां पर यह है, हमारी टीम छोटी है, हमारी बैंडविड्थ कम है, हम हमारे पास समय कम बचता है, उसके बाद भी हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम बैचेज में हम ही लोग पढ़ाएं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, क्योंकि ईयर इंपॉर्टेंट होता है, अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट है, आपका आपकी मेहनत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूट्रॉन क्रैश कोर्स 1 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, वहां भी हम लोग मतलब प्रॉपरली पढ़ा रहे हैं, और मैं ये बोलूंगा कि हमने अपने लाइफ के 1 महीने 2 महीने डेडिकेट कर दिए एक टेस्ट सीरीज बनाने में, जिसको हम NBTS कह रहे हैं। बहुत ज्यादा बच्चों ने उसको लिया है और बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब इसकी वजह से थोड़ा सा हम लोगों को काफी डांट भी पड़ी आपस में, मतलब कि यार क्या किया हमने, ये क्यों किया, आपस में थोड़ा सा ऐसा रहा कि यार बहुत टाइम लगा दिया हमने इसमें, पर एक अच्छी चीज बना के दी, और वो नीड था उस वक्त नीड था, उससे हमारे कुछ अपने DPPs पेंडिंग हो गए, तो ये ठीक है, एक डिस्कशन का इशू है, इस पे बाद में करेंगे। तो NBTS अपनी टेस्ट, तो ये वो तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं हमेशा बोल रहा हूं आपको, आपको हमारे साथ ये नहीं मिलेगा कि यार गाइडेंस नहीं मिली या कंटेंट नहीं मिला, वो सारा मिल जाएगा। बार बार मैं ये बोलता हूं, सिलेक्शन उसी का होगा जो सही तरीके से उसको यूज कर रहा और सेल्फ स्टडी कर रहा, क्योंकि ये जो सेकेंड हाफ है ना लड़ाई का, यहां सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यस, ठीक है, तो ये चीज हम आपके लिए कर रहे हैं। अब इसके बाद बेटा हम लोग बात कर सकते हैं कि हमें करना कैसे है। तो हमें जो वो सारे चैप्टर्स करने हैं जो डिलीट नहीं हुए, और वो डिलीटेड टॉपिक्स को भी कवर कर लो पूरा, अगर मान लो चैप्टर नहीं कर रहे हो, कुछ डिलीटेड टॉपिक्स को भी कवर कर लो, तो हमें वो जो डिलीट नहीं वो करने, डिलीटेड टॉपिक्स कवर करने, और एनसीईआरटी बेस पढ़ना है। बार बार मैं बोल रहा हूं एनसीईआरटी बेस पढ़ना, बहुत सारी कोचिंग्स में बहुत सारे टीचर एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं ये बोल के कि यार एम्स के लेवल का पेपर आएगा, एम्स के लेवल का पेपर एनसीईआरटी से भी बन सकता है। आप में को मैं क्लियरली बता रहा हूं, जब एम्स के लास्ट 2-3 साल के पेपर हुए थे, जो लास्ट हुए हैं, वो एनसीईआरटी बेस डीप आती थी। अब किन किन चैप्टर से थोड़ी सी वेटेज बढ़ेगी उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे अपने देख लेते हैं लिविंग वर्ल्ड, तो लिविंग वर्ल्ड में वो टॉपिक डिलीट हो गया, आपको पता है लिविंग वर्ल्ड का एक टॉपिक डिलीट हो गया। यस, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में से कुछ नहीं। प्लांट किंगडम में लाइफ साइकिल हट गई है। अब मैं आपको अपना एक एनालिसिस बताता हूं, पिछले कुछ सालों में, कुछ ईयर्स में प्लांट किंगडम की वेटेज बढ़ी है, तो चांसेस ये हैं कि बायोलॉजिकल से बहुत ज्यादा ना बढ़ के 1-2 क्वेश्चन आपका प्लांट किंगडम से बढ़ेगा। तो प्लांट किंगडम को अच्छे से करके जाना। यस, और एनिमल किंगडम से भी बढ़ सकता है, क्योंकि वो मतलब जो क्वेश्चन कम होगा कहीं से वो यहां पर एडजस्ट कर देंगे वो। तो चांसेस हैं कि प्लांट किंगडम के हमने कुछ क्वेश्चंस बढ़े हुए देखे हैं। क्लियर है? यस, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। देखो मॉर्फोलॉजी में क्या हुआ, एनसीईआरटी में रूट स्टेम लीफ या रूट और स्टेम उतना ज्यादा दे नहीं रखा, सिर्फ लीफ दे रखा है। फिर उसके बाद उसमें फ्लावर फैमिलीज वगैरह और फ्रूट की डिटेल है,
और कुछ फैमिलीज ऐड कर दी हैं। मेरा यह मानना है कि अगर क्वेश्चंस बढ़ेंगे तो मॉडिफिकेशन रूट स्टेम लीफ का मुश्किल से एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे फ्लावर फैमिलीज वाले पार्ट से, और जो कुछ फैमिलीज ऐड हुई हैं उसका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन आएगा। मैं बहुत सारे यूट्यूब पे लेक्चर देख रहा हूं, उन्होंने बीएससी वाला पढ़ा दिया, मतलब ऐसी ऐसी चीजें पढ़ा दी जो नहीं पूछेगा, कब है ही नहीं तो कैसे पूछ लेगा भाई, उतनी डीप नहीं जाएगा वो कभी भी। फैमिलीज पहले भी दे रखी थी, तुम बताओ मुझे कि कहीं कोई डीप क्वेश्चन आया हो फैमिलीज का। फैमिलीज में आपसे पूछता हूं, आप चेक कर लेना, सोलेनेसी में ग्लैबरस लिखा हुआ है, पूछा उसने आज तक? पूछा उसने? अम्बिलेट क्लस्टर लिखा हुआ लिलियसी में, पूछा उसने? वो फैमिलीज को बहुत डीप कभी जाकर पूछता ही नहीं था। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब आज उसने एक फैमिली डाल दी तो उसको इसी पे पूरा पेपर बना देगा, नहीं। तो फैमिलीज को वो आज भी सुपरफिशियल पूछेगा, पर जैसे आपने पोएसी ऐड कर दी है तो उसकी कुछ डिटेल हम आपको ऐसी पढ़ा देंगे जो श्योर शॉट अगर आएगी तो उसी में से आएगी। यस, ये कर देंगे, ठीक है। एनाटॉमी में बेटा उसका ज्यादा फोकस सेकेंडरी ग्रोथ और ट्रांसफर सेक्शन पे है। इनिशियल वाला पार्ट पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और जाइलम वाला, फ्लोएम वाला पार्ट वो इतना नहीं पूछेगा। ट्रांसवर सेक्शन और इससे क्वेश्चन बढ़ेंगे, और इसके बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं। मैंने इसका एक 100 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट बनाया था खुद से, वो बहुत शानदार असाइनमेंट है। उसको जब हम एनाटॉमी बैच में कराएंगे तो वो उसको टेलीग्राम चैनल पे भी देंगे और ये आपको कराएंगे, ठीक है। उसको करने के बाद आपकी कोई डाटा मिस नहीं होगा एनसीईआरटी से। उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में मैं परेशान हूं एक बात को लेकर कि यार फ्रॉग इंसेक्ट है नहीं है, ये कोई डिबेट का इशू थोड़ी है। फ्रॉग नहीं है इंसेक्ट ना, अगर वो वहां कुछ एरर है तो उसको बाद में वो ठीक कर लेंगे। लेकिन इससे एक चीज समझ में आती है कि फ्रॉग भी आएगा और कॉकरोच भी आएगा, दोनों कर लो, क्लियर है, ठीक है। तो इस चीज से हम कोई डिबेट नहीं कर रहे कि यार वो इंसेक्ट क्या फायदा, हम किसी की मिस्टेक पे नहीं जा रहे। रीजन मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि एनटीए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर, या एनएमसी, जहां पर जो लोग हैं वो सब्जेक्ट के कुछ हैं और कुछ वैसे लोग हैं बिना सब्जेक्ट के, जो जिनका बायो हो सकता है सब्जेक्ट ना हो, तो वो चेंज करेंगे अपने अकॉर्डिंग धीरे धीरे। तो आप उसमें फंसकर अगर इस डिबेट पे लग जाओ कि फ्रॉग इंसेक्ट है कि नहीं, इससे फायदा क्या हो रहा है, बेटर ये है कि आप दोनों पढ़ लो, क्योंकि आपका साल है ना बेटा, ये ईयर आपका है, आपके ईयर के साथ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो आपको फ्रॉग और इंसेक्ट, तो कॉकरोच और फ्रॉग दोनों पढ़ना है, और साथ में ये पूरा पढ़ना है, इसमें जितना भी इसमें दे रखा है सारी चीजें, अर्थवर्म नहीं पढ़ना बस। यस, उसके बाद किसका होगा, देखो बायोमोलिक्यूल में उसने लिविंग स्टेट हटा दिया, ठीक है, यस। तो आपको ये समझना है कि इनमें से अगर वेटेज बढ़ती हुई दिखेगी मॉर्फोलॉजी की, यस, और इसमें आपको, आप देख चुके हो ऑलरेडी इनकी वेटेज बढ़ चुकी है, बायोमोलिक्यूल और सेल साइकिल की ऑलरेडी वेटेज बढ़ चुकी है, इसी की वेटेज बढ़ेगी। सेल वाले चैप्टर से मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, नहीं आएंगे, है ना, इजी क्वेश्चन आता वही चलेगा पैटर्न, यस। आगे आ जाते हैं, अब हुआ क्या है, इसमें से प्लांट फिजियो में से 5 में से 3 रह गए, ट्रांसपोर्ट और मिनरल के क्वेश्चन हट गए, और उसके अलावा प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में से ये 3 टॉपिक इन्होंने हटा दिए। तो पेपर आपको ऐसा लगेगा कि फोटोसिंथेसिस ज्यादा आया है, फोटोसिंथेसिस वेटेज बढ़ी हुई दिखेगी, और एनसीईआरटी आपको डीप पढ़ के जानी पड़ेगी। पहले क्या होता था, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस का रेयर क्वेश्चन आता था, आ जाएगा रेस्पिरेशन इन प्लांट का डीप क्वेश्चन आ जाएगा एनसीईआरटी से, यस। तो ये दो चैप्टर, क्योंकि इसमें तो सिर्फ हॉर्मोन्स बच गया ना, स्टार्टिंग वाला पार्ट बहुत ज्यादा है नहीं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो जो बीच वाला पार्ट है हॉर्मोन्स, उससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो एक एक हॉर्मोन एनसीईआरटी से पढ़ना, उसकी रिसर्च नहीं कर डालनी, एनसीईआरटी से पढ़ना। तो मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, मान लो 7 से, मैं कहता हूं कि ये 5 चैप्टर थे, 8 से 10 क्वेश्चन आते थे, अगर 8 से 10 क्वेश्चन मुझे इन 3 चैप्टर्स में फिट करने हैं तो ज्यादा मेरे पास फोटोसिंथेसिस की वेटेज बढ़ी हुई मिलेगी इस साल, ठीक है। तो एनसीईआरटी पे खासा ध्यान रखना है इस पे। अब यहां पर 7 से 6 चैप्टर हो गए ह्यूमन फिजियो में, और उसके साथ साथ एक चीज और हुई है, इसमें से कुछ सेंसरी ऑर्गन वाला पार्ट डिलीट हो गया। आपको जो क्वेश्चंस बड़े हुए मिलेंगे, मेरे को ये मानना है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन अक्सर एग्जामिनर टारगेट करता है, क्योंकि उसमें काफी डाटा है, यहां से बड़े हुए मिल सकते हैं। उसके अलावा न्यूरल कंट्रोल में ब्रेन वाले पार्ट का अपने ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा जब सेंसरी ऑर्गन हटा दिया। आप देखो 14 से 16, 18 तक क्वेश्चन चले जाते थे ह्यूमन फिजियो से, तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन इन्हीं में एडजस्ट करने पड़ेंगे। ब्रीदिंग और एक्सरसाइज बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, तो जहां अच्छे मतलब लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो ये 2 चैप्टर है, बॉडी फ्लूड्स और सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, ये बड़े चैप्टर है, इसमें डाटा बहुत है, और इनके अच्छे किडनी पर अच्छे क्वेश्चन पहले भी बनते रहे। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका ये वाला चैप्टर की वेटेज बढ़ेगी, इसकी बढ़ सकती है, इसकी बढ़ सकती है, ठीक है।
क्लियर है, यहां तक समझ में आ रही है बात। और सेंसरी ऑर्गन सेफ साइड करना चाहो कर लो, क्योंकि मतलब हो गया है वैसे तो डिलीट, है ना, हो गया, लेकिन पता नहीं चलता, ठीक है। यस यस, अब आते हैं जरा ट्वेल्थ वाले पार्ट में। ट्वेल्थ वाले पार्ट में उसने एक चैप्टर पूरा गायब कर दिया रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसमें बहुत सारा डाटा जो था वो क्लास 11 से भी था, तो चैप्टर चला तो गया पर एक बार नजर जरूर मार लेना उसके, सिर्फ नोट्स पर, चैप्टर नहीं पढ़ना, हल्का हल्का सा देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारा डाटा दूसरे चैप्टर्स का था। यस, कर सकते हो, मर्जी है, पर अगर आप बढ़ावा देखोगे तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2022 या 21 में एक पेपर आया था जिसमें 3 क्वेश्चन थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, तो आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ से अच्छा खासा बढ़ावा देख सकते हो, बाकी इन दोनों से 4-4 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन मॉलिकुलर, इनसे 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे ही, आ रहे हैं पिछले 2 साल से, और एवोल्यूशन अपना 3 से 4 क्वेश्चन ले जाएगा क्योंकि उतना उसकी वेटेज बनती है, ठीक है। तो इनमें ऐसा कोई मेजर बदलाव आपको दिखा नहीं है। अब यहां पर पूरा का पूरा चैप्टर गायब कर दिया स्ट्रेटेजीज, और टिश्यू कल्चर को उठाकर बायोटेक में डाल दिया, तो उसको पढ़ के जाना टिश्यू कल्चर को, पर मैं ये बोल रहा हूं कि माइक्रोब से पहले 1 आता था अब 2 हो जाएंगे, ह्यूमन हेल्थ से भी आपको बड़ी भी मिलेगी वेटेज, ठीक है, पर माइक्रोब से मैं मान के चल रहा हूं, तो एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें नॉर्मली वो हमेशा क्वेश्चन दे देता था उससे स्टैटिन साइक्लोस्पोरिन, इस बार चांसेस हैं कि वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से कुछ चीजें देगा। यस यस यस, अब आ जाओ बायोटेक प्रिंसिपल प्रोसेस बायोटेक एप्लीकेशन, क्वेश्चंस बढ़ चुके हैं और मैं अभी भी, मेरा ये मानना है कि इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। प्लीज एनसीईआरटी की डीप लाइनें रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट इनको बढ़िया से पढ़ के जाओ ताकि आपको चीजें क्लियर रहें, बिल्कुल क्लियर रहें। क्या ये एनसीईआरटी से बाहर जाएगा? नहीं, बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा, एनसीईआरटी से ही आएगा, बिल्कुल एनसीईआरटी से आएगा, आपका बाहर नहीं जाएगा, पर इसकी वेटेज भी आपको बड़ी हुई मिलेगी। अब आते हैं थोड़ा सा इकोलॉजी के साथ। इकोलॉजी में थोड़ा सा बदकिस्मती ये हो गई है कि यार एनवायरमेंटल इशू जिससे लास्ट ईयर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे वही डिलीटेड है, तो जो चैप्टर बचे हैं वो ये बच गए, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन इकोसिस्टम। मैं हमेशा बिलीव करता हूं इकोसिस्टम वो चैप्टर है जिससे क्वेश्चंस बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं, आप प्रोडक्टिविटी पे अच्छे क्वेश्चन बना सकते हो, आप बना सकते हो ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है, फूड चेन, फूड वेब हो गया, ये ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहां से, तो यहां इसकी वेटेज आपको मिलेगी। IUCN की रेड डाटा लिस्ट, कुछ लोगों को लगा ऐसा तूफान मचा दिया, IUCN 2 जगह लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने बायोडाइवर्सिटी में, उसकी एक लिस्ट होती है जो नॉर्मली हम ऑफलाइन कोचिंग में पहले भी पढ़ाते थे, और वो ज्यादा नहीं 10 मिनट का टॉपिक है, तो इसमें कोई ऐसा पहाड़ चेंज नहीं किया है। अब यहां पर ध्यान रखना इससे 2 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। पुराने ईयर्स में क्या होता था, कुछ एक ऐसा डाटा आ जाता था जो एनसीईआरटी में था नहीं, उस पैटर्न पे शायद एनटीए एनएमसी ना जाए, तो मुझे जो बड़ा हुआ वेटेज मिलेगी इकोसिस्टम और ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में। इन शॉर्ट फोटोसिंथेसिस से मुझे बड़ी हुई वेटेज मिलने के चांसेस है, प्लांट किंगडम से मुझे बड़ी हुई वेटेज मिलने के चांसेस है, उसके अलावा न्यूरल कंट्रोल से, केमिकल कोऑर्डिनेशन से, सर्कुलेशन वाले चैप्टर से, एक्सक्रीटरी से कुछ बड़ा हुआ वेटेज मिलेगा, माइक्रोब से बढ़ सकता है क्योंकि, या ह्यूमन हेल्थ से क्योंकि एक चैप्टर वहां डिलीट हो गया है, और यहां पर इकोसिस्टम से और बायोडाइवर्सिटी से आपको कुछ बड़ा हुआ मिल सकता है। तो ये कुछ एक समरी है जो मैंने टोटल बात बोली। अब यहां पर सारी बात की ये होती है कि सर कितनी डीप जानी है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ठीक से पढ़ा। आप में से बहुत सारे बच्चे ये फालतू कमेंट करते हैं क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लें तो हो जाएगा, क्योंकि वो क्या करते हैं ऑफलाइन कोचिंग में बैठ के पहले उल्टा सीधा डाटा पढ़ते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी। बेटा एनसीईआरटी वहां भी पढ़नी थी, यहां भी पढ़नी है, सिर्फ एनसीईआरटी से सिलेक्शन होगा, तो कृपया करके सिर्फ एनसीईआरटी को पूरा फोकस करें। हम आपको हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं ताकि चाहे फ्री बैचेज हो, पेड बैचेज हो, उसमें आपको टोटल सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। आपको बेटा 2 चीज ध्यान रखनी है, यहां से सिलेक्शन उसका होगा जो ज्यादा अच्छी सेल्फ स्टडी करता है, ज्यादा ऑर्गेनाइज होके दिन भर पढ़ता है, ज्यादा प्रॉपर गाइडेंस रखता है, चीजों में कम से कम फंसता है। ये जो धुएं के बादल हैं, सिलेबस चेंज और क्या आएगा, ये हमेशा चलता रहता है। जब भी हमें नीड होगी हम क्लियरिटी के साथ आएंगे और आपको एक प्रॉपर सेशन के थ्रू सारी चीजें बताएंगे। मिलते हैं बेटा जल्दी ही उन टॉपिक्स के साथ जो ऐड हुए हैं और द्रोणा और संजीवनी में, ठीक है बेटा, बाय।